और जयपुर से इस वक्त की खबर, राजभवन के घेराव को लेकर एकत्रित हुए किसान समर्थक, विभिन्न श्रमिक संगठन और वाम दलों के प्रतिनिधि हुए एकत्रित। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम, किस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट्स? जी देखिए आयुषी, इस वक्त हम शहीद स्मारक पर हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान समर्थक यहाँ जुट रहे हैं, और जो उनके संगत समर्थक जो हैं, जिनमें कि वामदलों से जुड़े हुए या सीपीआई इंटक आदि जो यूनियन है, किसान और श्रमिक वर्ग हैं, उन सभी से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी एक बार नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो एकत्रित हो रही है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और थोड़ी देर बाद इन सभी का राजभवन जाने का प्रोग्राम है। राजभवन का घेराव करने की इन्होंने चेतावनी दी है, हालांकि पुलिस ने भी अपनी ओर से तैयारी की हुई है, और इन सभी को सिविल लाइन फाटक पर ही रोका जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र चूंकि हैं भी नहीं, उनका माउंट आबू प्रवास जारी है, तो ऐसे में ये संभावना ज़्यादा है कि वो केवल उनके 5 पदाधिकारी जाएंगे, और राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन है जो कि राज्यपाल को इन्होंने सौंपना है, वो ज्ञापन वहाँ पर दिया जाएगा। तो एक बार कुछ उनसे जो किसान नेता है उनसे एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं? किसान महापंचायत प्रदेश मंत्री रतन खोकर। सर, जो केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी जो कृषि बिल लेकर आए, ये किसान विरोधी है, ये किसानों का शोषण करने के लिए लेकर आए हैं, वो बड़े पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को पनपाने के लिए ये तीनों कृषि बिल लेकर आए हैं। हमारी मांग है इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए, वह MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। जबकि मोदी जी पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, MSP थी, MSP है और रहेगी, तो आज देश का किसान पहुँच रहा है चने का समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं जा रहा, 5100 MSP है, और जबकि औने पौने दामों में किसान है 4500 से 4600 रुपए में बेच रहा है, सरासर उसको प्रति क्विंटल में 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। फिर MSP थी ओनली, ये दिखावा है और ये किसानों के साथ धोखा है, इसलिए ये तीनों कृषि बिल वापस लिया जाए, अन्यथा आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहा है, लेकिन फिर भी किसानों की तरफ अनदेखी की जा रही है। जो आने वाले विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में हमारे किसान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो और एक दूसरे किसान समर्थक हैं, आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? मैं कुलदीप चौधरी, प्रदेश से राजस्थान युवा जाट महासभा। हम पिछले 7 महीने से राजस्थान का जो बॉर्डर है, साजापुर बॉर्डर, वहाँ पे 7 महीने से लगातार हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें दिल्ली जाना था। सरकार की हठधर्मिता है, एक तरफ इस जवान जो किसान का बेटा है उसको बंदूक देके खड़ा कर दिया, और एक तरफ यहाँ का अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता अपने हकों के लिए पिछले 7 महीनों से खड़ा है। बच्चे, औरतें, सभी किसान वहाँ पे खड़े, लेकिन इस सरकार को ये शर्म नहीं है, और किसानों के प्रति बिल्कुल संवेदना नहीं है इस सरकार के, बिल्कुल हठधर्मिता पे है, और इनके गांवों में अब जूत लगने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। एक बार किसानों के समर्थक जो संगठन है वो तो यहां मौजूद हैं, साथ में पुलिस बल भी मोर्चा संभाले हुए हैं। आगे एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो इसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। और जब सिविल लाइन फाटक ये पूरा दल पहुंचेगा, जब ये पदाधिकारी सिविल लाइन फाटक पहुंचेंगे, तो वहाँ भी उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं। और फिलहाल यहाँ आप अगर देखेंगे तो लगातार किसानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि, किसान और उनके जो समर्थक हैं, जो कि विभिन्न अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें कि C2 से जुड़े हुए लोग हैं, इंटक से जुड़े हुए लोग हैं, किसान महापंचायत, राजस्थान किसान, भारतीय किसान यूनियन और जो अलग अलग संगठन हैं, वो सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसान कानूनों के अलावा इनकी मांग ये भी है कि जो लेबर कोड जो लाई है केंद्र सरकार, उसको भी वापस लिया जाए। साथ में इन दिनों जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की जो दरें करीब 100 से ज़्यादा पार हो चुकी हैं, उनको भी नियंत्रित की जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, और इसके बाद राजभवन के घेराव की योजना है। जी जी बिल्कुल काशीराम, देखिए बहुत सारी मांगे यहाँ पर है, और जो किसान आंदोलन है ये कहा जा सकता है कि इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन ये रहा है। लेकिन आज शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक की रैली निकाली जानी है। तो देखिए, कोरोना की भी अगर हम बात करें तो तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसे में किस तरह से इन चीज़ों का बचाव हो, क्योंकि जिन मांगों को लेकर जो ये प्रतिनिधि ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है।
जी बिल्कुल, ऐसी कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी कई बड़े चिकित्सक दे चुके हैं, देश भर के जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो भी इसकी चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की पालना देखिए नहीं हो रही है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क ही हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, तो उसकी थोड़ी सी अवहेलना जरूर हो रही है, लेकिन किसानों का अपना मुद्दा है और वो अपनी जगह पर सही भी ठहरा रहे हैं उसको। भीड़ हालांकि जुट रही है, राजस्थान में धारा 144 भी लागू है, 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए, लेकिन वो सभी चीज़ों की यहाँ पर अवहेलना हो रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के समर्थन में ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और पुलिस उनको नियंत्रित करने का कार्य भी करेगी। अगर स्थिति बिगड़ती है, कोई अप्रिय स्थिति होती है, तो उसे नियंत्रित करने का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल काशीराम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।